नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं टॉप 5 दमदार PGR के बारे में, यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर टॉनिक के बारे में। अब ये है, हमारे पास बहुत सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है मार्केट में, बहुत सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है टॉनिक है, लेकिन ये जो 5 टॉनिक है, ये जो 5 प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, ये लगभग पाँचों का पाँचों 1500 से नीचे मिल जाएगा मार्केट में, और पाँचों का रिजल्ट बहुत ही दमदार है। वैसे PGR तो बहुत है, लेकिन सबसे सस्ता में इतना बढ़िया रिजल्ट देने वाला PGR हमको लग रहा है शायद और भी कुछ PGR नहीं है। तो ये जो 5 PGR है, ये बहुत ही बढ़िया है। इसका पांचों का पांच अलग अलग खासियत बात है, तो उसी को बारे में आज डिटेल्स में बात करने जा रहे हैं, जैसे कि प्रोडक्ट नेम क्या है, कंपनी का कौन सा आता है, कौन सी टेक्निकल मिलता है, कौन कौन सी क्रॉप में स्प्रे कर सकते हैं, इसका बेनिफिट क्या क्या मिलता है, डोज प्राइस कितना है, रिजल्ट टाइम कितने दिन का है इसका, तो सभी के बारे में डिटेल्स में एकदम क्लियर कर देंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला नंबर जो आता है एम्बिशन PGR, यानी एम्बिशन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो पहले जान लेंगे कि इसका प्रोडक्ट नेम क्या है और टेक्निकल क्या है, और कौन कौन सी फसल में स्प्रे कर सकते हैं, इसका फ़ायदा क्या क्या है, कब और कितना मात्रा में स्प्रे कर सकते हैं, डोज कितना है, रिजल्ट टाइम कितना है, प्राइस कितना है। तो पहले बात कर लेते हैं कि इसका जो व्यापारिक नाम है वो क्या है, और इसका जो टेक्निकल है वो क्या है। तो मार्केट में आप लोगों को बायर कंपनी का एम्बिशन नाम पे अवेलेबल मिल जाएगा, और टेक्निकल और कंटेंट की बात किए तो इसमें जो टेक्निकल मिलता है एमिनो एसिड और फ्लूबिक एसिड, यानी दोनों टेक्निकल आप लोगों को मिल जाता है। बात आती है कि कौन कौन सी फसल में इसको हम लोग स्प्रे कर सकते हैं। तो इसको लगभग सभी क्रॉप में आप लोग आराम से स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फायदे की अगर बात किया जाए तो शुरुआती अवस्था में पौधे को वृद्धि में मदद करता है, और उसके साथ साथ फलों को भी बहुत ही अच्छा मेंटेन रखता है, फूल की संख्या को बढ़ाता है, फसल को हरा भरा रखने में भी ज़्यादा मदद करता है, और ये जो टॉनिक है जड़ द्वारा पोषक तत्व को बेहतर अवशोषण करने में सहायता करता है, फलों को साइज इंक्रीज के साथ साथ क्वालिटी को भी ले आता है। तो इतने सारे फायदा एम्बिशन टॉनिक का है। अब बात आती है कि कब और कितनी मात्रा में इसको हम लोग स्प्रे करें। तो इसको लगभग ट्रांसप्लांट के 2 से 3 दिन बाद फर्स्ट स्प्रे करना चाहिए, और सेकंड स्प्रे जो है फ्लावरिंग के स्टेज में सेकंड स्प्रे कर लेना चाहिए, और थर्ड स्प्रे आप लोगों को लगभग फ्रूट लगने के समय थर्ड स्प्रे कर लेना चाहिए, और फोर्थ स्प्रे जो करना है वो थर्ड स्प्रे जब आप कर रहे हैं फ्रूटिंग स्टेज में, तो उसके 10 से 15 दिन बाद फोर्थ स्प्रे आप लोगों को कर देना चाहिए। और ये जो 4 स्प्रे अगर आप लोग किसी क्रॉप में करते हैं तो दूसरे टॉनिक का स्प्रे करने का ज़रूरत नहीं है, इसमें अकेला काफ़ी है। तो इतना रिजल्ट अच्छा है कि इसका अलग ही रिजल्ट है। रिजल्ट टाइम इसका देखा जाए तो लगभग 18 से 20 दिन एक बार स्प्रे करने में आप लोगों को मिल जाता है, और डोज की अगर बात किया जाए तो लगभग 2.5 ml पर लीटर के पानी में मिला के स्प्रे कर सकते हैं, रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। प्राइस की बात किया जाए तो 1 लीटर का जो पैकेट है लगभग 900 से 1100 रुपये के अंदर मिल जाएगा। तो ये हो गया बायर कंपनी का एम्बिशन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में जानकारी। अब दोस्तों, सेकेंड नंबर पे जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है धनुका एग्रीटेक कंपनी का धनवर्षा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो इसका जो टेक्निकल है, धनवर्षा में पाए जाने वाली एमिनो एसिड तथा पेप्टाइड पर आधारित एक कार्बनिक जैविक उत्प्रेरक है, जो कि फसल में काफ़ी ज़्यादा कार्य करने में हेल्प करता है। और फसल में कौन कौन सी फसल में स्प्रे कर सकते हैं उसको अगर बात किया जाए तो इसको लगभग सभी क्रॉप में स्प्रे कर सकते हैं, जैसे कि फल वर्गीय फसल में, सब्जी वर्गीय फसल में, अनाज वर्गीय फसल में, जैसे सभी क्रॉप में इसको स्प्रे करने से कोई दिक्कत नहीं है। फ़ायदे की अगर बात किया जाए तो इसमें जो फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसको 6-in-1 भी कहा जाता है। अब 6-in-1 क्यों कहा जाता है? जैसे धनवर्षा बीज के भ्रूण में वृद्धि करता है, और उसके कारण अंकुरण के समय काफ़ी अच्छा अंकुरत भी होता है। धनवर्षा में पाए जाने वाला नेचुरल चिल्टिंग एजेंट के मदद से वनस्पति अवस्था में मिट्टी को सूक्ष्म पोषक तत्व के ऊपर उपलब्ध करने में मदद करता है। उसके अलावा धनवर्षा स्प्रे करने पर फसल में फॉस्फेट का मात्रा को बढ़ाता है और पौधे का मजबूत बना देता है। इसमें पेप्टाइड के कारण प्रकाश संश्लेषण का सुधार करते हैं, और पौधे का विभिन्न भागों में पोषक तत्वों के परिवहन में मदद करता है। ज़्यादा बारिश होने के बावजूद भी मिट्टी का pH को भी मेंटेन रखने में काफ़ी अच्छा मदद करता है। उसके अलावा धनवर्षा स्प्रे करने पर फसल में फूल फल का संख्या को भी बढ़ा देता है। अब बात आती है कि इसको कब और कितना मात्रा में स्प्रे करना चाहिए। तो इसको आप लोग
लगभग किसी भी टाइम पर स्प्रे करने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 ml पर लीटर के पानी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए, तभी आप लोगों को बढ़िया रिजल्ट मिल जाएगा। और प्राइस की अगर बात किया जाए तो लगभग 1 लीटर का जो प्राइस आता है मार्केट में 1100 से 1300 के अंदर ही मिल जाएगा। और रिजल्ट टाइम की अगर बात किया जाए तो लगभग 19 से 21 दिन तक आप लोगों को एक बार स्प्रे करने में रिजल्ट मिल जाएगा। अब दोस्तों 3 नंबर में जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आता है वो आता है PI कंपनी का बायोविटा लिक्विड नाम पे। तो इसका जो टेक्निकल मिलता है एस्कोलियम नोडोसम नामक सामुद्रिक शैवाल से बनाया गया है। उसके अलावा बायोविटा 60 से अधिक प्राकृतिक पौष्टिक यौगिका का मिश्रण है जो कि फसल में गुणवत्ता को बनाए रखता है। इसमें एक खास बात है, बायोविटा भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाला सामुद्रिक शैवाल से बनाया गया प्रोडक्ट है, ये एक सबसे बड़ी बात है इसमें। अब फसल में स्प्रे की अगर बात किया जाए तो इसको ऑल क्रॉप में स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। और फायदे की अगर बात किया जाए तो बायोविटा स्वस्थ पौधों का विकास के लिए लगभग संतुलित कर देता है, कंदों का आकार के साथ साथ साइज को भी बढ़ाता है। उसके अलावा मिट्टी में पाए जाने वाले पोषक तत्व और नमी को अधिक अवशोषण करती है जिससे फसल अंदर से मजबूत एवं स्वस्थ बन जाता है। फल फूल बढ़ा देता है, फल फूल झड़ने से भी रुक लेता है। उसके अलावा फसल हरा भरा रखने के साथ साथ फसल का क्वालिटी को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है। अब बात आती है कि कब और कितना स्प्रे करना चाहिए। तो इसको किसी भी स्टेज पर आप लोग स्प्रे कर सकते हैं, जैसे कि अगर ट्रांसप्लांटिंग के 2 से 3 दिन बाद अगर स्प्रे करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, फ्लावरिंग स्टेज में स्प्रे करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, या फिर फ्रूटिंग स्टेज में स्प्रे करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। और डोज की अगर बात किया जाए तो लगभग 1.5 ml से 2 ml पर लीटर में मिला के छिड़काव कर सकते हैं। उसके अलावा प्राइस की अगर बात किया जाए तो 1 लीटर का जो प्राइस मिलता है लगभग 800 से 900 रुपये के अंदर ही अंदर मिल जाएगा। और रिजल्ट टाइम की अगर बात किया जाए तो लगभग 15 से 17 दिन तक एक बार स्प्रे करने पर रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों 4 नंबर में जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आता है वो आता है पोषक सुपर, जो कि कृषि रसायन कंपनी का आता है। तो इसका जो टेक्निकल है साइटोकाइनिन टेक्निकल इसमें मिल जाता है, यानी साइटोकाइनिन एक हार्मोन है जो कि सेल डिवीजन का काम करता है। बात आती है कि कौन कौन सी फसल में इसको छिड़काव कर सकते हैं, तो इसको भी लगभग सभी क्रॉप में छिड़काव कर सकते हैं। अब फायदे की अगर बात किया जाए तो सेल डिवीजन का काम काफ़ी अच्छा करता है क्योंकि साइटोकाइनिन इसमें टेक्निकल मिलता है उसके द्वारा। अब मेन बात आती है कि इसका जो मेन काम है वो आता है न्यू ब्रांच ले आने में मदद करता है, यानी जैसे पौधे का हार्वेस्टिंग हो चुका है, फिर पौधा पूरा एनर्जी ख़त्म हो गया, फिर इसको अगर स्प्रे कर देते हैं तो उसको एनर्जी बढ़ा देता है, फिर नया नया ब्रांच लेके आता है। तो नया नया ब्रांच ले आने का सबसे बेस्ट टॉनिक माना जाता है। उसके अलावा फलों का साइज को भी बढ़ाता है और उसके साथ साथ लत्तर जातीय फसल में पौधे का तीव्र तेज ग्रोथ करने में भी मदद करता है। अब बात आती है कि कब और कितने मात्रा में स्प्रे करना चाहिए। तो इसको आप लोग ट्रांसप्लांट से फ्रूटिंग स्टेज तक लगभग सभी टाइम स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डोज की अगर बात की जाए तो लगभग 1.5 से 2 ml पर लीटर के हिसाब से मिला के छिड़काव कर सकते हैं। और रिजल्ट टाइम की अगर बात किया जाए तो 15 से 16 दिन एक बार स्प्रे में रिजल्ट मिल जाता है। प्राइस की बात किया जाए तो 1 लीटर का जो प्राइस आता है लगभग 1100 से 1300 रुपए के अंदर ही मिल जाएगा। अब दोस्तों लास्ट में जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आता है 5 नंबर में वो आता है ईसा ग्रो कंपनी का सियाप्टोन टेल एल नाम। अब बात आती है कि इसका कंपनी कौन सा है और प्रोडक्ट का नाम क्या है। तो इसका जो कंपनी है ईसा ग्रो कंपनी का आता है और सियाप्टोन एल नाम पे अवेलेबल मिलता है मार्केट में। आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है इसका। तो आखिर क्यों पॉपुलर हो चुका है, रिजल्ट बढ़िया है तभी तो पॉपुलर हो चुका है। तो इसका टेक्निकल और कंटेंट की बात किया जाए तो इसमें जो टेक्निकल मिलता है 3 टेक्निकल मिलता है। एक तो आता है एमिनो एसिड और पेप्टिसाइड भी आता है और उसके साथ साथ कार्बनिक तत्व का भी मिश्रण रहता है। अब बात आती है कि कौन कौन सी फसल पर इसको स्प्रे कर सकते हैं। तो इसको लगभग सभी क्रॉप में स्प्रे कर सकते हैं, जैसे कि अनाज वर्गीय हो, फल वर्गीय हो, या फिर सब्जी वर्गीय हो, फूल वर्गीय हो, तेलन वर्गीय हो, सभी क्रॉप में स्प्रे कर सकते हैं। फायदे की अगर बात किया जाए तो फूल फलों को बढ़ाता है, उसके साथ साथ पौधों को हरा भरा रखने में भी काफ़ी अच्छा मदद करता है। पौधे में पोषक तत्व का बरकरार रखने में मदद करता है, पौधे का स्वस्थ और मजबूत रखता है, पौधे को जनरेट करने में भी सहायता करता है और फसल को वृद्धि करने में हेल्प करता है और न्यू ब्रांच का भी ले आता है। अब बात आती है कब और कितना मात्रा में स्प्रे करना चाहिए। तो इसको भी किसी भी टाइम पे स्प्रे कर सकते हैं, जैसे फसल अगर बुआई कर लिया, ट्रांसप्लांटिंग कर लिया,
तो उसके बाद आप कभी भी स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डोज की अगर बात की जाए तो इसका डोज लगभग 2 ml पर लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। और रिजल्ट टाइम की बात किया जाए तो 16 से 18 दिन तक रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिल जाता है। और प्राइस की अगर बात किया जाए तो 1 लीटर का जो पैकेट मिलता है लगभग 800 से 900 रुपए के अंदर मिल जाता है, जो कि काफ़ी सस्ता है, तभी ये मार्केट में इतना पॉपुलर है और इतने सारे रिजल्ट भी तो दे देता है और इतने सस्ते में, तभी तो इतना पॉपुलर है। तो ये हो गया 5 टॉनिक जो कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जो कि बहुत ही अच्छा है और रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा है, प्राइस भी 1500 से नीचे है। तो ये था दोस्तों 5 दमदार PGR यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में पूरी जानकारी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और अगर कोई सुझाव या सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिए। और इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आप लोगों के पास ले आते रहते हैं।